मेरे बड़े बुजुर्गों, घरों में आवाज सुन रही मेरी माताएं बैठे, देश का भविष्य नौजवान साथियों, आज धन्यवादी दौरे के इस पहले दिन मुझे पहले गांव में मांडो में आने का अवसर मिला और जिस संख्या में आप लोगों ने यहां पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आप सब लोग पधारे, मैं मेरी तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। ये जो पीछे चुनाव हुआ, ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव, इतना सद्भावपूर्ण माहौल में, पीसफुल माहौल में और जिस हिसाब से एक नई पार्टी बनी थी, आज से 50 दिन पहले जननायक जनता पार्टी जींद की धरती पे आप सब लोगों ने पार्टी बनाई और उस पार्टी का पहला चुनाव हो और इतनी कश्मकश हो, इस कश्मकश में भी जिस संख्या में आप लोगों ने इस पार्टी को मत दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह दिया और 38,000 वोट, ये रिकॉर्ड बात है, लोकदल का इतिहास गवाह है कि जींद की सीट पे इतने वोट लोकदल को और लोकदल की पार्टी के आज तक कैंडिडेट को नहीं मिले। जो प्यार और जो सहयोग आपने मुझे दिया और एक एक कीमती वोट, मैं बार बार पहले भी कहता था कि आपका एक वोट मेरे लिए 1,00,000 वोट के बराबर है, तो आपने जो मत दिया मेरे हिसाब से और मेरे परिवार के लिए, तो आपने एमएलए बना के भेज दिया, चाहे वोटों के घर कुछ हजार की संख्या में पीछे रह गए हैं, पर मैं ये मानता हूं कि हम हारे नहीं, जीत है जी, अपनी मोरली भी, यानी जो हम अपनी उम्मीद कर रहे थे कि हमें 40,000 के वोट अगर आसपास मिले तो हमारी 5,000-7,000-10,000 वोट की जीत हो, ये तो तय है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य जो राजनीतिक दल थे उन्होंने अपना वोट आपकी पार्टी को ताकतवर होता देखा। दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता जो बढ़ती हुई, जो पॉपुलैरिटी थी और युवाओं के अंदर बढ़ता हुआ दुष्यंत के प्रति एक प्यार स्नेह था, उस हिसाब से आखिरी दिन जो हमें चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं कांग्रेस के सुरजेवाला साहब ने भी और जो आश्री जी ने भी, और एक पार्टी और है जिसका मैं चर्चा नहीं करूंगा, नाम नहीं लूंगा कि आप सारे जानो, जो ये कह रहे हैं भाई हमारे एजेंट ने भी क्या हमें वोट नहीं डाला, वो एजेंट ने वोट नहीं, वो तो एजेंट का वोट भी उन लोगों ने दुष्यंत को कमजोर करने के लिए बीजेपी को दिलवाया कि इसलिए आज मैं सुबह देख रहा था कि अपने मिर्डा साहब जो नवनियुक्त विधायक हैं वो मोदी जी को बधाई देने दिल्ली गए, तो मैंने ये समझा कि नहीं, मेरा फर्ज मेरी पार्टी के बड़े नेताओं के और अन्य नेताओं को बधाई देना नहीं, मेरा फर्ज तो आपको बधाई देना है, तो वो वहां गए हैं, मैं यहाँ आया, बधाई कबूल करियो, आज कोई भाषण देने नहीं आया, आप तो यही कहने आया हूं कि नौजवान साथियों, मेरी उम्र के दोस्तों, ये मायूस होने का समय नहीं है, ये एक नई अलख जगी, एक नई शुरुआत हुई, शायद हमें थोड़ी सी ये मायूसी हो कि हमने इतनी मेहनत करी और जवा जवाब पर ये चर्चा थी कि यहां से जेजेपी जीतेगी, मगर फिर भी हम इतने वोट ले गए, आज इस जींद से बाहर कहीं भी इस चुनाव की चर्चा है, अगर हार के भी कोई जीता है तो वो जननायक जनता पार्टी आपकी पार्टी है, देता हूं, इसलिए जो चौधरी देवीलाल जी की फौज है वो कहते हैं कि वो कभी बैरिक के अंदर भी अपने जो है ना वो तैयारी में रहती, तो अगला चुनाव जो मुंह आए खड़ा है लोकसभा का चुनाव, आज से तकरीबन 2 महीने के बीच में फिर चुनाव आ जाएंगे, फिर हमें वोट डालकर और उसके साथ हमें अपनी पार्टी की ताकत को बढ़ाकर ये सोनीपत की लोकसभा की सीट जितानी है, इसलिए मैं कहूंगा कि हम अपनी कमियों को खामियों को पहचाने, जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, अगर कोई जाति पाति का जहर है तो लोगों को जाकर घर पर जाकर समझाएं और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा के सुनहरे भविष्य के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, बुजुर्गों और महिलाओं के सम्मान के लिए जननायक जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में बने और दुष्यंत चौटाला का नेतृत्व तो इस प्रदेश को मिले, और मैं जैसा कहता था भाषण में कि जमा जींद की पार्टी, इस जींद की चौधर आई, ये सपना अभी टूटा नहीं है, आपने सपने की जो पहली बुनियाद थी उसको चुनाव में रख दिया, मैं समझता हूं कि हमने आने वाले अप्रैल में जब चुनाव होंगे, चाहे लोकसभा का अलग हो, विधानसभा का अलग हो और चाहे इकट्ठे हो, हमने अपनी तैयारी को पूरा रखना है, लोगों को मनाना है, लोगों को गले लगाना है और कोई हमारे से नाराज है उसको पार्टी के साथ जोड़ना है, और मैं भी आपको आश्वस्त करता हूँ, विश्वास देता हूँ मांडो गांव के मेरे परिवारजनों को कि आपने जो प्यार स्नेह आशीर्वाद सहयोग दिया है, मैं इसको इस एहसान को चुकता तो नहीं कर पाऊंगा, मगर जितना मेरे से बन पाएगा, जहां कहीं भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो दिग्विजय आपको पहली पंक्ति में खड़ा नजर आएगा।
आपके सुख का हमदर्द बनकर आपके साथ कलमताल मिलाकर चलेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, और ना केवल आगे बढ़ेंगे बल्कि इस जींद की चौधर यानी जींद का चीफ मिनिस्टर बनाने का जो सपना है वो अप्रैल में और ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर के महीने में उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। यहाँ चौमुखी विकास हो, ये क्षेत्र आगे बढ़े, हम सब लोग सही दिशा में इस हरियाणा को आगे बढ़ाएं, जात पात से ऊपर उठ करके छत्तीस बिरादरी की सोच का हरियाणा बढ़े। मैं तो यही कहने आपका आभार प्रकट करने, धन्यवाद करने, अजय सिंह जी आ नहीं सकते थे, अजय सिंह जी की तरफ से, दुष्यंत जी की तरफ से, क्योंकि दुष्यंत जी ने पूरे प्रदेश में जाना है और कम समय है, ज्यादा एरिया कवर करना है, इसलिए उनकी हाजिरी भी मेरे मार्फत आप कबूल करियो। उनने भी आपको धन्यवाद कहा है, पूरी पार्टी की तरफ से, सभी नेताओं की तरफ से, हम सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, मेरे पूरे गांव का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।